नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सरकारें आती हैं जाती है, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर सत्ता के नशे में चूर किसी नेता के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जाए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार बनाने वाले और सरकार गिराने वाले दोनों ही जनता होती है। रीवा के एक दिन के प्रवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे हुए थे। इस अवसर पर एक महिला मंत्री कमलेश्वर पटेल से मिलने के लिए आतुर थी, मिलना चाह रही थी। बदले में उससे मंत्री जी मिले तो नहीं, बल्कि दुदकारते हुए उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद रोती बिलखती महिला वहां से चली गई, लेकिन कई सवाल छोड़ गई। सवाल ये है कि क्या सत्ता के नशे में आने के बाद किसी भी व्यक्ति के भाव इस कदर बढ़ जाते हैं कि वह आम जनता को आम जनता नहीं समझता, या फिर सत्ता के नशे में चूर होने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जनता जिसने उसे वोट दिया है, जिसने उसे सत्ता के सिंहासन के लिए चुना है, वह कोई अहमियत ही नहीं रखती। सवाल और कई सारे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं, विशेष तौर पर रीवा जिले में किसानों के क्या हालात हैं और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन अभी अचानक से एक बार फिर मंत्री कमलेश्वर पटेल के द्वारा महिला के साथ किया गया व्यवहार उनके कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल अपने प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान मंत्री महोदय का एक अजीबोगरीब व्यवहार देखने को मिला। दरअसल रीवा नगर निगम में माली के पद पर पदस्थ महिला मुन्नी पटेल को निगम अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और अधिकारी के द्वारा उनकी तनख्वाह को भी रोक लिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर वह मंत्री महोदय के पास पहुंची थी। लेकिन मंत्री महोदय ने उसकी समस्याओं को सुने बगैर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि मंत्री महोदय ने मीडिया के कैमरे पर महिला से बाद में मिलने की बात कही, परंतु बाद में मंत्री जी किनारे से निकल गए और महिला को अनदेखा कर दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि विगत कई दिनों से नगर निगम रीवा में संपत्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ अरुण मिश्रा के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उनकी तनख्वाह भी रोक लिया गया है। इसको लेकर उसने कई बार निगम आयुक्त से भी शिकायत की, लेकिन उसकी समस्या का निवारण नहीं हुआ, जिसके कारण वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के पास पहुंची। तब मंत्री जी ने उसे धक्का देकर बाहर भगा दिया। हालांकि महिला ने पूर्व में भी मंत्री जी से मुलाकात की थी, जिस पर उन्होंने समस्या के निवारण कराने का आश्वासन दिया था, मगर अब तक उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। उसी को लेकर वह महिला आज फिर मंत्री जी के पास पहुंची थी और बदले में मंत्री जी के द्वारा उसे दुत्कारने और धक्का देने का मामला सामने आया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रीवा से हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला आर्यन की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हमारा नाम मुन्नी पटेल। क्या समस्या थी आपके पास? जिसके हमारी समस्या, अभी हम 4.5 साल तक अरुण मिश्रा के यहाँ खाना बनाए, फिर इनकी लड़की और ये गाली गलौज किए, हमेशा आते थे राउंड से, तो हराम खोर नालायक बेकूफ ये महिला ऐसे करती, चुपचाप सही लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। फिर ये हमको 21 अप्रैल को आए राउंड से, तो सुबेरे भी गाली दिए और फिर 12 बजे ये पूजा करते थे, पूजा की बाल्टी लेने आए, रसोई में हमको इतना गंदा गाली दिए कि अब हम क्या बताएं। और फिर उसके बाद हम जब से गाली दिए तब से हम रोते गए, फिर शाम के भी खाना बनाने गए। फिर उस दिन हनुमान जयंती थी, हनुमान जयंती में वो पार्क में गए और ऐसे रोते, तो संजय दादा कहे काहे रो रहे मुन्नी, तो हम बताएं दादा ऐसे ऐसे हाल ही, आपका से मर जाब तो मर जाब, आपका से हमका इज्जत बेच के हम अपन काम करब ना जा, आपका से काम उम करा। फिर वह संजय दादा कहीं कमिश्नर के लगे, मैडम जी लग गई, तो कमिश्नर साहब हमका मारुति पार्क में रखवा दिए। ओके बाद अब 7 महीने सब अच्छा चलता ही रह गया। ओके बाद ही का करें कि 4 तारीख ही प्रभार, 5 तारीख के पॉइंट कमिश्नर साहब शादी वादी में चलेंगे। ई वह दिन से हम एबसेंटी लगाओ शुरू कर दिन, और कहीं जाओ तुम नाली, 6 तारीख के गाली दिन, कहीं जाओ तुम नाली और वहाँ फूट वहाँ फोटो रोड में काम करो नाली और झाड़ू का, सुबेरे 5 बजे तड़का। आपकी तनख्वाह रोक ली गई है? हमारी तनख्वाह रोक ली गई है। किसके द्वारा?
अरुण मिश्रा के द्वारा। क्या है ये नगर निगम? ये संपत्ति अधिकारी है या ये समय सभा जीत या सर के प्रभार पाए। तो आप आज मंत्री जी के पास गए तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन? मंत्री जी बोले हो रहा काम, हो रहा बस। मंत्री जी आई उस दिन भी रविवार को बोले हो रहा काम, एक थे मेरा काम नहीं हुआ। अब हम मैं इतनी परेशान हूँ कि हम लगता है आत्महत्या कर ली। एक तो मेरा आदमी सही नहीं है, ना हमारे लड़के ना बच्चे, मैं बहुत परेशान हो गई। इंसान परेशान होकर क्या करेगा, आत्महत्या ना करेगा। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।